हेलो गाइस, तो गाइस एलविश यादव के रोस्ट करने के बाद अब ध्रुव राठी ने भी एलविश यादव के वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है और बिना नाम लेते हुए अपनी वीडियो में बहुत कुछ कहा है। तो क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग ध्रुव राठी का वो वीडियो दिखाता हूँ। ये सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरे, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। देखो किस हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए। ऊपर से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहां पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर। कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप, मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं। तो यहां पर गाइस ध्रुव राठी की इस वीडियो को देख करके आप लोग का क्या रिएक्शन है, आप लोग ध्रुव राठी को क्या कहना चाहोगे, आप लोग एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो इन दोनों में से, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।